जिलाधिकारी नगर के भाई के निधन पर शांति सद्भावना समिति के तत्वावधान में एक शोक सभा का आयोजन बबीना रोड स्थित कैंप कार्यालय पर संपन्न हुआ। शोक सभा में शांति समिति के सदस्य बलवीर सिंह, आदिल आमीन, डॉक्टर विजय सिन्हा, डॉक्टर सुधाकर पांडे, कमल मोहन श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शोक सभा में जनपद के एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के बड़े भाई की मौत पर दुख व्यक्त किया गया तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई तथा एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के कर्तव्य और निष्ठा की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शांति समिति के सदस्य सरदार बलवीर सिंह, वरिष्ठ समाज सेवी आदिल अमीन और डॉक्टर विजय सिन्हा ने कहा, सद्भावना समिति के तत्वावधान में एडीएम सिटी के बड़े भाई के निधन पर पूरा सद्भावना समिति के सदस्यों ने शोक संतप्त परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसी परिप्रेक्ष्य में ये भी कहा गया कि एडीएम सिटी मुख्यमंत्री के आगमन पर अपने कोर्टकाल का पूरा निर्वहन किया, कर्तव्य परायणता में कोई कमी नहीं किया, लेकिन अब उनके भाई काल के गाल में कोरोना की बीमारी की वजह से चले गए। इसलिए हम सभी नगरवासी आहत हैं और शांति सद्भावना समिति के लोगों ने आज श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित की है। इसमें हम सरदार बलवीर जी, वरिष्ठ समाजसेवी आदिल अमीन जी, सिन्हा साहब और हमारे डॉक्टर के शर्मा, अन्य भाई सभी आज यहाँ मौजूद हैं और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे परिवार को, जो शोक संतप्त परिवार है, उनकी ईश्वर मदद करें। बलवीर सिंह, मैं सरदार बलवीर सिंह और मैं शांति सद्भावना कमेटी का सदस्य हूं और डिप्टी चीफ ऑर्डर सिविल डिफेंस भी हूं और मैं सामाजिक कार्यों में जो उचित कार्य करते हैं, हम चाहते हैं कि उन लोगों को सम्मान मिले। आज का दिन जो है बहुत ही दुखदायी दिन है। हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम जो है बनाया था शांति सद्भावना कमेटी की तरफ से कि एडीएम सिटी साहब के बड़े भ्राता गुजर गए हैं, उनके दुख में हम लोग भी शामिल हो सके और उन्होंने जितना अपना कार्य को निर्वाह किया है और अपनी जिम्मेवारियों को जितना उन्होंने सही तरीके से अंजाम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हम पूरा समाज उनके आज इस दुख दर्द में उनको चाहते हैं कि उनको और शक्ति और उनके परिवार को और शक्ति प्रदान करे, जो और अधिक शक्ति से उसे इस संघर्ष को विजय पा सके। धन्यवाद। आज एक शोक सभा का आयोजन किया गया है जो कि हमारे एडीएम सिटी साहब के बड़े भाई का इंतकाल हो गया, उसी पर हम लोगों ने आज एक शोक सभा की है और अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत फरमाए और जो भी इनके परिवार के लोग हैं उनको दुख की ये घड़ी है उनको सहन करने की शक्ति अदा करें। और हम सलाम करेंगे ऐसे एडीएम सिटी साहब को कि उस वक्त इनका प्रोग्राम लगा हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी का और वो यहाँ पर मौजूद थे और अपनी ड्यूटी में थे। अपनी ड्यूटी को उन्होंने पूरा अपनी ड्यूटी को उन्होंने निभाया। ड्यूटी निभाने के बाद फिर वो गए हैं। तो ऐसे एडीएम सिटी साहब को मेरा आदिल अमीन का सलाम है जो कि जिला शांति सद्भावना समिति के वरिष्ठ सदस्य भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इसी गोरखपुर के हैं। ऐसे वाकई में बहुत कम लोग आते हैं, दुनिया में देखे जाते हैं। उनके बड़े भाई का देहांत हुआ और वो ड्यूटी वो कर रहे थे एडीएम सिटी साहब, उनको भी भगवान अल्लाह शक्ति दे, इतना दुख जो हुआ है उनको इसकी शक्ति बर्दाश्त करने की शक्ति अदा फरमाए। आमीन।
डॉक्टर विजय सिन्हा, हमारे महानगर के सिटी मजिस्ट्रेट के बड़े भाई, एडीएम सिटी के बड़े भाई की मृत्यु के ऊपर शोक संवेदना प्रकट करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए और हम सारे लोग कोरोना से युद्ध करने वाले उस एडीएम सिटी के बड़े भाई की परम पवित्र आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।